कृष्ण परमात्मने नमः। भगवान के इस दिव्य धाम नर नारायण की तपस्थली और जो इस भारतवर्ष के अधिष्ठात्र देव है नर नारायण, उनकी कृपा से इस विशालापुरी में भागवती गंगा के भिन्न भिन्न घाटों का स्पर्श करते हुए अब सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से दशम स्कंद ये इस भागवत का सबसे बड़ा स्कंद है, 90 अध्यायों के अंदर इसको दो भागों में बांटा गया है। ऐसे तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक श्लोक में ही कृष्ण का चरित्र बता देते हैं, पर वह सुनते ही महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान जिसका इंतजार मैं करता रहा इतने समय कि किस प्रकार से उन सर्वथा समर्थ घनश्याम गरला विराल गोपी जन वल्लभ ने मेरे पूर्वजों के साथ दिव्य लीलाएं करी, व्रज में क्या लीलाएं करी, इन्हीं को सुनने के लिए तो मैं इतने दिन से आपका यह पुण्यमयी प्रवचन सुन रहा था, पर इतने सूक्ष्म में आपने उनका चरित्र बता दिया, इससे तो मेरी जिज्ञासा मेरी प्यास शांत ही नहीं हुई। इसी का तो मैं विस्तार सुनना चाहता हूं कि उन्होंने क्या क्या दिव्य लीलाएं करी, किस प्रकार से उन्होंने ब्रज में गोकुल में अपना बाल्यकाल बिताया, किस प्रकार वे मथुरा आए, फिर क्यों वे द्वारिका गए, ये सब लीलाओं को बड़े विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है। क्योंकि जिस प्रकार से भागवत के आरंभ में जिस श्लोक से जिस सत्य तत्व का निरूपण किया था वेद व्यास जी ने, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, तो अर्थात उसका संपूर्ण चित्रण, वो भगवान पर ब्रह्म स्वरूप इस माखन चोर श्री कृष्ण के चरित्र में ही है। तो ये जो भगवान की सारी दिव्य लीलाएं हैं, इन्हीं में ही जो प्रथम श्लोक के सारे गुण किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं, सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सभी देवता भी जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, हर प्रकार का त्रिसत्यम यानी कि आदि देहिक आदि भौतिक आध्यात्मिक सात्विक राजस तामस, ये सब प्रकार का सत्य आप ही हो, तो आप साक्षात अपने पूर्ण 16 कलाओं के साथ में इस ब्रज धाम में प्रकट हुए हो। जिस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ वसुदेव और देवकी के यहां, यानी कि शुद्ध अंतकरण और देवमय बुद्धि, इसके अंदर भगवान का प्राकट्य होता है। देखिए जो भगवान का ये सारा चरित्र है, ये सारे उनके गुण हैं, उनकी ये लीलाएं हैं, इन लीलाओं में भी बड़ी मधुरता है। केवल लीलाओं की मधुरता से ही, ऐसे तो गीता भी इसी बात को प्रतिष्ठित करती है कि ज्ञान योग की बड़ी महत्वता है, कर्म योग की बड़ी महत्वता है, पर फिर भी भक्ति योग को उसने भी इन सबसे उच्च स्थान दिया है। तो इसीलिए और भगवान भी बार बार यही कहते हैं अहम भक्त पराधीन, कि मैं तो भक्तों के वश में हूं, क्योंकि भक्त जिस स्वरूप में जिस काल में जिस परिस्थिति में मेरा कीर्तन कर लेगा, मेरा स्मरण कर लेगा, मेरा चिंतन कर लेगा, तो मैं विवश होकर वहां उपस्थित हो जाऊंगा। और इन्हीं सब सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए भागवत के सब अलग अलग स्कंदों में भिन्न भिन्न कथाओं के माध्यम से वेद व्यास जी ने निरूपण किया और इस 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत महाराज परीक्षित को परमहंस मुनि सुखदेव यहां पर श्रवण करा रहे हैं। तो भगवान की उन दिव्य लीलाओं का दर्शन, क्योंकि केवल उनकी इन लीलाओं का चिंतन दर्शन ये
यही सत्य, क्योंकि ये कृष्ण है जो हमारे चित्त को चुरा लेते हैं, इसीलिए इनका नाम है चित्त चोर। और चोर की तो उन्हें उपमा और संज्ञा मिली है, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने कर्म किए। यानी सामान्य लौकिक जगत में जिस प्रकार की उपमाएं हम अपने लिए पसंद नहीं करते, वैसी सारी उपमाएं भगवान ने अपने लिए ली है। रण छोड़ भी बने हैं। आज कौन चाहता है कि उसके ऊपर इस तरह की कायरता वाली उपमा लगे? हर आदमी तो अपने आप को सूरवीर बनाना चाहता है, पर भगवान ने कहा सबके कल्याण के लिए मुझे अगर रण छोड़ भी बनना पड़े तो मुझे इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। यानी भगवान कृष्ण ने अपने चरित्र के द्वारा हमें बार बार दिव्य संदेश दिए कि उनके जन्म का हेतु क्या है, उनके जन्म से वह क्या हमें अपनी लीलाओं के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि किस प्रकार से गुरु के द्वारा प्रदत्त या ज्ञानी के द्वारा प्रदत्त सीख जो है व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका पाथेय बन जाती है। एक बार एक ग्राम में सेठ जी रहते थे और कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि सब प्रकार का जो उनका वाणिज्य था, व्यापार था, वो कमजोर होता गया और सारी जो उनकी उपार्जित धन संपदा थी वह सब भी करीब करीब खत्म हो गई। अब उनका मन बड़ा व्यथित होने लगा कि अब मैं क्या करूं, इतनी जो मेरी सारी धन संपदा थी वह भी घाटे के कारण खत्म हो गई, अब परिवार का पालन करना भी दूभर होने लग जाएगा, जो भी संचित पूंजी थी वो सब खत्म होती जा रही है। तो गांव के जो गुरु थे, ब्राह्मण देव थे, उनके पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब मेरे को कुछ ऐसे उपाय बताइए, कुछ ऐसे गुरु मंत्र दीजिए जिससे मैं कुछ इस कष्ट से निवृत्त हो सकूं। तो ब्राह्मण के भाई मैं तो कोई ज्यादा ज्ञानी तो हूं नहीं, आपको क्या बताऊं, पर क्योंकि वणिक चतुर थे उन्हें पता था कि ये गुणी हैं गुरुदेव, बड़ी प्रार्थना करते हैं कि कुछ तो कहिए, एक ही कोई सिद्धांत तो बताइए, एक गुरु मंत्र दीजिए। तो उन्होंने पहला गुरु मंत्र दिया कि जहां मन न लगे वहां मत रहो, उस स्थान को छोड़ दो। कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी बात को समझ गया, पर अब एक से तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा फायदा होगा, फिर थोड़ी सी दक्षिणा रखते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि एक तो गुरु मंत्र और दो। तो वो कहते हैं कि दूसरा, यदि अपने आसपास या कोई निकट का आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा मानो, उसके प्रति आदर भाव अपना लो। कि ठीक है गुरुदेव, पर एक और दे दो सिद्धांत, एक गुरु मंत्र और दे दो। बड़ा चरण वंदना करते हैं, पांव दबाते हैं। तो कि ठीक है, यदि किसी से कुछ किसी का कुछ बुरा यदि देख लो तो तुरंत उसे प्रकट न करो, यानी कि चुगली न करो। कि ठीक है गुरुदेव, अब मैं आपके इस गुरु मंत्र को समझ तो रहा हूं, पर अब बस अब मेरा आपका पहला गुरु मंत्र तो मेरे मन में जम गया है कि अब यहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा, तो अब मुझे तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। पर एक जाते जाते और गुरु मंत्र दे दीजिए। तो कि ठीक है, जो काम सेवक से हो सके या दूसरों से हो सके उसके लिए खुद श्रम नहीं करो। कि ठीक है गुरुदेव, बस अब आप आशीर्वाद दीजिए और आपकी कृपा से अब मैं ये ग्राम तो छोड़ता हूं, कहीं आगे जाके प्रयास करते हैं, भगवान जो प्रेरणा दे वैसा जीवन कुछ चलेगा। तो सेठ जी जब चलने लगे तो जो बचपन से ही उनके साथ रहने वाला उनका सेवक था उसने कहा कि मैं तो
आपके बिना तो कैसे रह पाऊंगा, बचपन से ही आपका साथ मुझे रहा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो इस तरह वह सेठ जी और सेवक चलने लगे। चलते चलते काफी दूर निकल गए और पूर्व समय में देखिए कि हर ग्राम के बाहर एक कुछ रुकने का स्थान बनता था। और ऐसे भी देखिए कि कलयुग के दोषों में आया है कि कलयुग के अंदर क्या होगा, पका हुआ अन्न बिकेगा, यानी पका हुआ अन्न को बेचना ये दोष है। पर आज के समय का सबसे बड़ा बिजनेस है रेस्टोरेंट का, ये कली का प्रभाव है। तो पूर्व समय की बात है, तो गांव के बाहर सेठ जी रुक गए और सेवक को भेजा कि भाई तुम जाओ अंदर, कुछ भोजन आदि के प्रबंध के लिए सूखा अन्न ले आओ, फिर कुछ तैयार करते हैं, रात्रि को भोजन करेंगे। तो ये शाम का वक्त होने लगा, तो वो नौकर जो है वो उस नगर के अंदर गया। नगर में गया तो वहां पर भीड़ पड़ी थी, लोगों की भीड़ भारी एकत्रित थी। तो उसके मन में भी एक जिज्ञासा हुई, कौतूहल उत्पन्न हुआ कि ये भीड़ किस लिए है। तो बड़ी मुश्किल से भीड़ को चीरता चीरता वो भीड़ में सबसे आगे गया। तो वहां वो देखता है कि एक हाथी सामने से आ रहा है और उसके सूंड में एक माला है, और वो माला उस नौकर के गले में डाल देता है। अब नौकर के गले में जैसे ही माला पड़ती है तो सब लोग जय जयकार करने लग जाते हैं। उसको तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस नगर में ये परंपरा थी कि यदि राजा की मृत्यु हो जाए और उनके वंश कोई नहीं हो तो जो वो राज्य का हाथी है वो जिसके गले में माला डाले वही राजा बन जाता है, वही उस नगर का प्रधान बन जाता है। तो यदि उसके गले में माला ये पड़ गई तो उसको वहां पर राजा बना दिया गया। अब सेठ जी वहां बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये आया ही नहीं, क्या हुआ, कि उसके साथ कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई। तो वो पता करने के लिए धीरे धीरे नगर के अंदर गए, लोगों से पूछा कि भाई इस तरीके का एक व्यक्ति आया था, आपने कहीं देखा। कुछ लोगों से पता करने के बाद उन्हें पता लगा कि अरे अरे वो तो हमारे अब महाराज बन गए हैं, कहां मिलेंगे, कि वो तो महल में मिलेंगे, आप जाइए। सेठ जी के भाई ठीक है, जाते हैं महल में तो रोक देते हैं द्वारपाल, फिर कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो नए राजा बने हैं उनसे कहिए कि हम आए हैं। तो जैसे ही उसे पता लगता है वो कहता है ठीक है आप बुलवाइए उन्हें अंदर। तो फिर संत की ब्राह्मण की दूसरी बात उन्हें याद आती है, यदि अपने निकट का कोई बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा मान लो। तो अब सेठ जी को ब्राह्मण के वचन याद आ जाते हैं कि ये बड़ा बन गया है, अब ये तो राजा बन गया है तो इसे राजा मान लेते हैं। अब अगर ये भाव रखेंगे कि ये तो हमारा सेवक है तो काम चलेगा नहीं। पर फिर भी वो सेठ जी को तो सम्मान देता है और सेठ जी कहते नहीं नहीं अब तुम महाराजा हो, अब तुम्हारा पद मुझसे बड़ा है। फिर भी सेवक का जो प्रेम होता है इस कारण वो सेठ जी को अपना मंत्री बना लेता है। तो सब आनंद ही आनंद कि ब्राह्मण देवता की बातें तो एक के बाद एक सटीक बैठ रही है। सेठ जी को मन में ये ध्यान आने लगता है, राजपाट अच्छा चलता है, अब जब राजा बन गया है तो कई रानियां भी हो जाती है। अब उस राजा की एक रानी का चरित्र अच्छा नहीं था, तो सेठ जी को जो मंत्री बन गए हैं उनको पता लग गया कि इस रानी का चरित्र अच्छा नहीं है। ये बात उनके सामने प्रकट हो गई। फिर उन्हें ब्राह्मण की एक बात याद आई कि किसी का बुरा देख लो तो एकदम उसे उद्घाटित मत करो, क्योंकि अगर वो उद्घाटित करते तो रानी का तो प्रेम राजा से ज्यादा है, क्या पता वो कैसी घटना बनाती और उन्हें ही दंड दिलवा देती। वो ब्राह्मण की उस बात को सुनके वे चुप रह गए। पर इस प्रकार की बातें चुपती नहीं है, धीरे धीरे राजमहल में सबको पता तो लगने लगी गया। जब रानी को भी ये पता लग गया कि ये मंत्री मेरी इस कमजोरी को जान गया है, मेरे इस कुकृत्य को ये जान गया है, तो रानी ये सोचने लगी किस प्रकार इस मंत्री को मैं ठिकाने लगाऊं। तो एक दिन वह राजा से बड़ा प्रेम वार्ता करते हुए कहती है
और फिर ये बता देती है कि वैसे तो ये मंत्री जी आपके बड़े निकट हैं, पर आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इनकी दृष्टि मेरे ऊपर अच्छी नहीं है, और इस प्रकार की गलत वार्ता करके राजा को भरमा देती है। अब राजा सोचता है कि देखिए, हमने तो इतने समय इनका नमक खाया है, इनसे इतना प्रेम है, तो किस प्रकार से मैं एकदम इनको दंड दे दूं, बात को मुझे पता भी नहीं है पूरी तरीके से। तो वो एक ऐसी योजना बनाता है कि एक कसाई को तैयार करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं इस दिन जिस व्यक्ति को ये फला फला तरीके का मांस लेने भेजूं, तुम उसकी वहीं पे हत्या कर देना। तो वो कसाई को इतना धन देते हैं, वो तैयार हो जाता है। अब एक दिन मंत्री जी को बुलाते हैं राजा और कहते हैं कि नगर के अंदर वो फलाना कसाई रहता है, उससे ये सामग्री लेके आनी है। अब मंत्री जी बड़े विस्मय में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ते हैं कि इसे पता है कि मैं तो पूर्ण रूप से शाकाहारी हूं, फिर मुझे ये इस कार्य के लिए क्यों भेजना चाहता है। तो फिर उन्हें ब्राह्मण की बात याद आती है कि जो काम सेवक से करा सको उसके लिए खुद नहीं जाना चाहिए। तो वो भी मंत्री था, तो उसके पास भी सब सेवक नौकर चाकर सारी सुविधाएं तो थी। तो वो उस जिस पते को दिया था राजा ने, उस पर अपने सेवक को भेज देता है कि भई ये फला फला सामग्री तुम लेके आ जाओ, फिर महल में पहुंचा देंगे। और उस कसाई को तो ये बताया था कि ये सामग्री जो लेने आए उसको तुझे काट देना है। और जैसे ही वो नौकर जाता है, उसकी वहां हत्या हो जाती है। पूरे नगर में बात फैलने लगती है। धीरे धीरे सारे जो दूसरे मंत्री थे वे भी राजा को बताते हैं कि आपने ये बड़ा गलत कर्म करवा दिया, और जिन मंत्री के प्रति आप ये सोच रहे हैं वो तो नहीं, आपकी जो रानी है उन्हीं के आचरण में गड़बड़ है। तो फिर राजा को बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। उसने फिर वापस बुलाया उन मंत्री को और क्षमा मांगी कि मैं भ्रमित हो गया था। और फिर मंत्री जी ने कहा कि अब कोई बात नहीं। वापस ब्राह्मण की जो पहली बात याद आई कि जहां दिल न लगे उस स्थान को फिर छोड़ दो, तो उन्होंने कहा अब बस मेरा दिल यहां नहीं लगेगा, इस स्थान को मैं छोड़ देता हूं। अर्थात कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए उसको जीवन के अंदर अनुपालन करते रहेंगे तो हर संकट से हर कष्ट से हम बचते रहेंगे। यही है हमारे इस कन्हैया का चरित्र। यदि इसके चरित्र की गहराई को हम यदि समझ लेंगे, इस ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करते रहेंगे, तो ये पग पग पर हमें बचाता रहेगा और हमें किसी भी जीवन में आने वाले संकट से सहज ही छुड़वा देगा। इसीलिए एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो इस प्रकार भगवान गोकुल के अंदर नंद और यशोदा के घर में, अब जैसे ही नंद के घर में इस प्रकार का परमानंद आ गया, देखिए नंद और यशोदा इन्होंने भी पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या करी और उसके परिणाम से भगवान का इन्हें आशीर्वाद मिला कि मैं बाल्यकाल आपके साथ बिताऊंगा। तो जिस प्रकार से सूर्योदय होते ही सारे गोकुल के अंदर आनंद ही आनंद छाने लगा, सब और से गोपियां, ब्रज किशोर, ब्रज बालक सब आने लगे, सारे ग्वाल आने लगे और नंद बाबा को खूब खूब बधाई बांटने लगे। और यहाँ पर नंद बाबा ने भी अपने भंडार खोल दिए। अब देखिए, जैसे ही जन्म होता है सबसे पहले जात कर्म होता है, तो जात कर्म ये हमारे जो संस्कार है देखिए गर्भाधान से प्रारंभ हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंत उन्नयन संस्कार और जात कर्म। जात कर्म अर्थात कि जब जन्म होने के बाद जब तक नाल छेदन नहीं होता है उस काल को बड़ा पवित्र माना जाता है। उस काल के अंदर किया हुआ दान पुण्य जप तप, उसका जो पुण्य है वो अनंत गुना प्राप्त होता है।
तो इसलिए ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार प्रारंभ किया। पर नंद बाबा ने तो जब से, क्योंकि इन दोनों की अवस्था है बड़ी वृद्धावस्था थी, माता यशोदा की और नंद बाबा की, इस कारण उनको तो जब से ये पता लगा कि मेरे घर में लाला आया है, मेरे घर के अंदर जन्म हुआ है बालक का, अब वो तो इतने भाव अधीर हो गए कि ब्राह्मण कहते कि चंदनम समर्पयामी तो वो चावल चढ़ा देते, यानी कि उनसे उस पूजा में मन ही नहीं लगा। ब्राह्मण कहते कुछ, वे करते कुछ। ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा आप तो ऐसा कर लीजिए, हमको ही सब कर्म के लिए अधिकृत कर दीजिए, और आपको, मुझे लगता है, हमें लग रहा है कि अब तो आपको लाला देखने की इच्छा है, जब तक अब आपका जो है चित्त शांत होगा नहीं। देखिए पहले ऐसी परंपरा थी, जब तक जात कर्म नहीं हो तब तक बालक का दर्शन नहीं होता है। नंद बाबा के पास 9 लाख गायों की संपत्ति थी और उनमें से केवल जात कर्म संस्कार करने में ही 2 लाख गाय तो उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दी और पूरे अपने राजद्वार के भंडार खोल दिए। जो जो भी आता, गोपियां आती, ग्वाल आते, जो आता नंद बाबा को बधाई मांगता, नंद बाबा दिल खोलकर उसे बधाई देने लगते। देखिए यहां दान की भी महिमा है, यानी कि जो दान करता है अर्थात उसे सारे पापों से निवृत्ति मिलके और उसके पुण्य जागृत होके भगवत प्राप्ति, भगवत पद प्राप्त होता है। और दूसरा कि पूर्व जन्म के अंदर बड़े सुकृत कर्म किए तो भगवान ने हमको संपत्ति दी है और उस संपत्ति का यदि हम सदुपयोग कर ले तो हमारा ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। तो उस दिव्य गोकुल के वातावरण में हम भी गोते लगाते हैं, किस प्रकार से सारी सारी ग्वाल सखियां आ रही है, ग्वाल बाल आ रहे हैं, और किस प्रकार से ग्वालिने आ रही हैं, बड़े बड़े ग्वाल आ रहे हैं, सब यशोदा मैया को बधाई देते हैं, नंद बाबा को बधाई देते हैं, और फिर नंद बाबा भी किसी को सोने की माला, किसी को कंठी माला, किसी को दिव्य दिव्य प्रकार के आभूषण वहां देते रहते हैं। तो हम भी भगवान के उस दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए यशोदा दी जायो है लाल बधाई सारा भगता, 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 बाजो बाजो सोहन थाल बधाई सारा भगता, बाजो बाजो सोहन थाल बधाई सारा भगता, 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 यशोदा जी जायो है लाल बधाई सारा भगता, यशोदा जी जायो है लाल बधाई सारा भगता। आज आनंद ही आनंद का अनुभव करना है, आज यो आनंद धरते हुए है, आज यो आनंद धरते हुए है, पक्षी वाले को जन्म हुए है, पक्षी वाले को जन्म हुए है, ना चोरे नो ताल बधाई सारा भगता, ना चोरे नो ताल बधाई सारा भगता, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, यशोदा जी जायो है लाल बधाई सारा भगताने, यशोदा जी जायो है लाल बधाई सारा भगताने।
पहला में अंगना अंगना में पलना पहला में अंगना हो पहला में अंगना अंगना में पलना पहला में अंगना अंगना में पलना पलना में झूल रहे नंद जी के ललना पलना में झूल रहे नंद जी के ललना पहला में अंगना अंगना में पलना पलना में झूल रहे नंद जी के ललना नजरा उतारो बार बार बधाई तारा भगताने नजरा उतारो बार बार बधाई तारा भगताने बाजो बाजो सोहन तार बधाई तारा भगताने यशोदा जी जायो है लाल बधाई तारा भगताने अब सभी गोपियां चलकर यशोदा जी के आंगन में आके सारी गोपियां आके क्या कहती है कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई 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 कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई क्या क्या मांग रही है झुमका भी दे दे भैया नथनी भी दे रे झुमका भी दे दे भैया नथनी भी दे रे झुमका भी दे दे भैया नथनी भी दे रे झुमका भी दे दे भैया नथनी भी दे रे रखड़ी के दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई रखड़ी के दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई कंगना भी दे दे बीटी भी दे दे भैया कंगना भी दे दे हार की दे दे घड़ाई यशोदा भैया दे दे बधाई हार की दे दे घड़ाई यशोदा भैया दे दे बधाई कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा भैया दे दे बधाई कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा भैया दे दे बधाई कुर्ती भी दे दे भैया चुनरी भी दे दे कुर्ती भी दे दे भैया चुनरी भी दे दे लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा भैया दे दे बधाई लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा भैया दे दे बधाई 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 यशोदा जी जायो है लाल बधाई सारा भगताने यशोदा जी जायो है लाल बधाई सारा भगताने बधाई सारा भगताने बधाई सारा भगताने बधाई सारा भगताने बधाई सारा भगताने
राधे 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 कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा भैया दे दे बधाई यशोदा भैया दे दे बधाई यशोदा भैया दे दे बधाई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो वहां गोकुल में दिव्य आनंद बरसने लगा और यहां पर कंस को जोगमाया ने तो कह ही दिया था कि तेरा काल तो पैदा हो गया है, अब कुछ ही दिन तेरे बाकी हैं। तो कंस के मन में बार बार वही बात घूमती रहती। हालांकि जब 8 गर्भ देवकी के उसने सोचा कि मैंने नष्ट कर दिए और 8वां गर्भ जिस प्रकार से योग माया प्रकट होकर उसे कह के चली गई, तो वापस वो देवकी के प्रति उसके अंदर जो शत्रु भाव था वो कम हो गया और कारागृह से उन्हें भी उसने मुक्त किया और कहा कि तू शोक ना कर। देखिए जिस प्रकार से हिरण्य कशिपु ने भी जब अपने भ्राता हिरण्याक्ष की मृत्यु पर जिस प्रकार अपने परिवार को संदेश दिया, वैसा ही संदेश कंस भी दे रहा है। शोक मत कर, ये जन्म और मृत्यु तो चलती रहती है। इस प्रकार की बातें देखिए, जिस प्रकार से कंस जो है यह देहाभिमान है, तो हमारे मन के अंदर तो सरलता, पुण्यता, पवित्रता, साधुता नहीं होती है, पर हम उसका प्रदर्शन करते हैं और जो बात हमारे लिए विपरीत हो जाती है तो उसी क्षण हमारा स्वभाव, व्यवहार, कर्म एकदम बदल जाता है। हमारे अंदर जो सरलता, साधुता जो प्रदर्शित होती है वो तत्क्षण मिट जाती है। पर कंस मन ही मन चिंतित होने लगा और फिर अपने साथी असुरों को यही बताया कि किस प्रकार से यहाँ ब्रज में जो भी छोटे नवजात शिशु हुए हैं उन सबको ही मार दो, उनमें से कोई न कोई तो मेरा काल होगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके लिए उसने नियुक्त किया बकी को अर्थात पूतना को। अब यहाँ पर गोकुल में इतना उत्सव हुआ कि नंद बाबा को ये तो ज्ञात ही नहीं रहा कि रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट तो निकल गई है। अर्थात क्योंकि वहां का राजा तो कंस था, इसलिए उन्हें भी कर चुकाना पड़ता था। तो 9 लाख गायें जिनके पास हो, इतनी बड़ी संपदा हो, तो उन्हें तो कर देना ही पड़ेगा। कर की व्यवस्था तो जब से चली आ रही है। अब उन्हें ध्यान आया कि कंस तो ऐसे ही बड़ा पापी है, क्रूर है, और मैंने तो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट भी निकाल दी है, तो अब तो ये सारे घी मक्खन आदि लेके मुझे मथुरा जाना पड़ेगा और कंस महाराज को अपना कर चुकाना पड़ेगा। तो घर में लाला हुआ है, ऐसा उत्सव है, फिर भी अपने कुछ मुख्य ग्वालों को जिम्मेदारी सौंप कर कि भाई जो आने जाने वालों की तुम सेवा करना, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की यहाँ कमी नहीं रहे। मैं जाता हूँ और मथुरा में कंस को अपना कर चुका कर जल्दी ही आता हूँ। वहाँ कंस के पास जाके वो अपना कर चुकाते हैं। तो कंस को ये भी पता लग जाता है कि नंद जी के घर में भी एक बालक हुआ है। वसुदेव जी तो मन ही मन सब जानते ही थे, फिर भी उन्होंने तो यही कहा क्योंकि माया के प्रभाव में सब कुछ हुआ था। तो नंद जी वसुदेव जी से भी मिलते हैं, वे बताते हैं किस प्रकार मेरे सभी पहले पुत्रों का अंत इसने किया, पर मेरा एक पुत्र बलराम तो आपके ही महल में पल रहा है, वह कुशल मंगल है। और ये बताया कि ये पुत्री हुई योग माया, उसे भी कंस ने नहीं छोड़ा। तो
तो दोनों ने इस प्रकार से अपने दुख सुख की बातें करी, पर वसुदेव जी ने नंद बाबा को चेता दिया कि देखिए पता नहीं क्यों मुझे कुछ कुछ अपशगुन आ रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, घर में लाला हुआ है तो हर प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था और उसके ध्यान की व्यवस्था आप ढंग से कीजिएगा। अब कंस ने जितने भी नवजात शिशु हुए उन सबको मारने के लिए बकी को नियुक्त कर दिया, यानी कि पूतना को। पूतना अर्थात जो पवित्र नहीं है। अब पूतना सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए चलती है। अब नंद जी के घर वो जाती है, यदि वो अपने वास्तविक स्वरूप में जाए तो उसको देख के सभी घबराएंगे, भागेंगे। इसलिए वो बड़ा सुंदर, कमनीय, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, वात्सल्य, प्रेम और ऐश्वर्य से भरा हुआ अपना स्वरूप बना लेती है। और क्योंकि वहां तो भीड़ लगी थी, रिश्तेदारों की, ग्वालिनों की, उसी भीड़ में वह पूतना लक्ष्मी जैसा सुंदर वेश बना के जाती है और उसे देख के सभी उसकी माया से मोहित भी हो जाते हैं। और वो सीधी नंदरानी के पास, यशोदा जी के पास पहुंच जाती है कि अरे बहन दिखाओ कैसे है तेरा लाला, अरे मैं तो तेरी बहन हूँ। अब इतनी भीड़ भाड़ होती है और यशोदा जी की भी अवस्था बड़ी वृद्धावस्था के निकट होती है, तो वो याद तो करती है कि भाई ये कौन सी बहन आ गई। फिर भी भीड़ भाड़ में कि अच्छा भाई कोई होगी बहन दूरदार की, अरे इस लाला को तो मैं अपना दूध पिलाऊंगी। और इस भाव से, क्योंकि वह अपनी माया को फैला के आई थी, इस दूध पिलाने के लिए वह लाला को ले लेती है। अब भगवान कृष्ण जैसे ही पूतना की गोद में जाते हैं, वह अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई थी, क्योंकि वो तो निकली थी सारे शिशुओं को मारने के लिए। और जैसे ही वो भगवान को अपनी गोद में लेती है और स्तनपान कराना चाहती है, भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब इस दृश्य का भी हमारे भिन्न भिन्न आचार्यों ने बड़ा ही विस्तृत विवरण किया है कि भगवान अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। किन्हीं आचार्य ने तो कहा, क्योंकि देखिए कोई भी हम कड़वी चीज पीने लगते हैं तो सहसा हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। तो पूतना तो आई विष पिलाने के लिए ही थी, वो तो विष तो बड़ा कड़वा होता है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर दूसरे संत ने कहा कि नहीं, देखिए जो भगवान के नेत्र हैं, ये तो सूर्य और चंद्रमा है, तो एक सूर्यलोक है एक चंद्रलोक है। उन्होंने जब देख लिया कि ये पूतना रूपी राक्षसी आ गई है और ये कहीं हमारे द्वारा सूर्यलोक या चंद्रलोक में प्रवेश न कर जाए, इस कारण उन्होंने अपने दरवाजे बंद करवा दिए। फिर किन्हीं और संत ने व्याख्या करी कि नहीं नहीं, देखिए कि ये सारा ब्रह्मांड, सारी जो सृष्टि है, चराचर जगत जीव, ये तो सारा भगवान के शरीर में ही विद्यमान है। जब हम भगवान के विराट स्वरूप का विवरण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो ये सारे चंद्रमा, नक्षत्र आदि जीव जंतु सभी कुछ तो भगवान के अंदर ही विराजित है, यानी सारी सृष्टि तो भगवान के अंदर ही रहती है। तो उन सृष्टि के जो सारे जीव हैं, जो सारे सकल ब्रह्मांड हैं, सकल लोक हैं, उन सब में बड़ा भयंकर भय व्याप्त हो गया। उस भय को निवारण करने के लिए भगवान अपने नेत्र बंद करके अंतर ध्यान होने लग गए और उन्हें सांत्वना देने लग रहे हैं कि तुम घबराओ मत, इस विष का तुम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। फिर किन्हीं और विद्वान संत ने व्याख्या करी कि नहीं नहीं, भगवान ने आंखें
आंखें बंद करी और सीधा भोलेनाथ को याद किया है कि महादेव पूरे जगत के कल्याण के लिए तो आपने हलाहल विष को पिया है और अब आप देखिए जैसे ही मैंने तो अपनी लीला के लिए यहाँ अवतरण किया और सबसे पहले ही मुझे तो विष पीना पड़ रहा है, तो हे भोलेनाथ आप मुझ पे कृपा करो, आपका स्मरण करके मैं इस विष का पान करूं तो मुझे भी यह किसी भी प्रकार का त्रास नहीं दे पाएगा। इसलिए वो तो ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए अंतर ध्यान हो गए, इसलिए उन्होंने अपनी इन नेत्रों को बंद कर लिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्याख्याएं भगवान के ऐसे अन्यान्य सभी विद्वानों ने मुख्य मुख्य रूप में 20 से लगा करके 25 प्रकार की व्याख्याएं भगवान के इस नेत्र बंद करने पर लिखी गई है, जो तो हमने कई कई देखी है पर इससे भी अधिक होंगी जो और विद्वानों ने देखी है। तो सबने ही, क्योंकि ये भगवान की जो लीला है ये बड़ी दिव्य होती है, इसीलिए उसके हेतु को जानने के लिए ज्ञानी प्रयास करते रहते हैं और जिस प्रकार वो साधना और प्रेममय भक्ति से मंथन करते हैं भगवान के दिव्य दिव्य स्वरूपों का उन्हें दर्शन होता रहता है। क्योंकि एक भाव ये भी बनने लगता है कि यदि मैंने इसे देख लिया तो कहीं प्रेम और कृपा का भाव नहीं उत्पन्न हो जाए तो इसकी अभी ही मुक्ति हो जाएगी, दूसरा यदि मैंने देखा और क्रोध उत्पन्न हो गया तो ये अभी ही भस्म हो जाएगी। तो इस प्रकार के कई सारी व्याख्याएं भगवान के इस नेत्र बंद करने पर की गई। अब वो पूतना भगवान को अपने स्तन से विषपान कराने लगती है और भगवान भी नेत्र बंद करे हुए ही उसके स्तनों से दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लग जाते हैं। अब वो तो हाहाकार करके रोने लगती है और अब उसका जो उसने माया का आश्रय लेके लक्ष्मी स्वरूपा रूप बनाया था वह भी नष्ट होके उसका जो वास्तविक स्वरूप था, बड़ा भयंकर विकराल उसका देह था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़े पहाड़ पर एक नन्ना सा शिशु बैठ के आनंद ले रहा हो, खेल रहा हो। तो भगवान स्तनों से उसके सारे प्राण को भी पी जाते हैं और वहां पर गोकुल में हाहाकार मचने लगता है। और इधर नंद जी तो ऐसे ही मथुरा गए हुए थे तो सारे ग्वालपाल बड़े चिंतित होते हैं, फिर देखते हैं कि एक भयंकर विकराल पहाड़ के समान राक्षसी के ऊपर लाला बैठे हैं। तो भगवान पूतना को भी आखिर वही गति प्रदान करते हैं जो गति यशोदा को प्रदान होगी। ये भगवान की अहेतु की कृपा है क्योंकि उसमें भाव वही था, राजा बलि की पुत्री उस समय ही वो देखती है जब वामन रूप में भगवान को देखती है, तभी से वो उन्हें पुत्र भाव में प्राप्त करना चाहती थी, तो इसीलिए पूतना के रूप में वो आई और भगवान ने उसका, क्योंकि वो तो विष पिलाने आई फिर भी उसने जो कर्म किया वो एक माता का कर्म था, तो उसे वही गति प्रदान करी जो वो यशोदा को प्रदान करेंगे। पूतना का अर्थ है अविद्या। तो भगवान ने आते ही अविद्या का खंडन किया और फिर ग्वाल वालों ने पूतना को जलाया, तो क्योंकि भगवान ने उसका उद्धार किया था तो उसके सारे शरीर से दिव्य सुगंध फैलने लगी। तो इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किए। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान का जिस प्रकार से आते ही पहला सामना ही पूतना नाम की राक्षसी से हो गया, तो अर्थात अब भगवान के जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते रहेंगे।
क्योंकि शुरुआत कहते हैं ना कि भाई जैसी शुरुआत होती है उस प्रकार से फिर आगे चलना पड़ता है। तो भगवान ने जो जन्म लिया है वो इसी के लिए, तो आते ही पहले उन्होंने अविद्या का खंडन कर दिया, क्योंकि अविद्या परमात्मा के सामने टिक नहीं सकती, उसे तो नष्ट होना ही पड़ेगा। भगवान का यहां पर जिस प्रकार सारे ग्वाल बाल स्वरूप देखते हैं, वे भी विस्मय में पड़ जाते हैं कि किस प्रकार से भगवान की रक्षा हुई है। तो सारे जो ग्वाल बाल हैं वो यही सोचने लगते हैं कि नंद जी ने इस प्रकार के पुण्य कर्म किए हैं, इतना यज्ञ यागादि जात कर्म दानादि किया है, इसी के प्रभाव से हो सकता है कि ये लाला बच गए हैं। यशोदा माता उन्हें अपनी गोद में भर लेती है और सोचती है कि ये क्या संकट मेरे लाला पर आ गया, मेरे गोकुल पे आ गया। और फिर वे सभी अपनी ग्वालिनों के साथ उन्हें गौशाला में ले जाती है, गौशाला में ले जा करके गाय की पूछ से उनको झाड़ा देती है और बड़ी सुंदर स्तुति करके क्या कहती है, देखिए झाड़ा दे रही है साक्षात नारायण को, और यही कहती है कि नारायण का नाम ही तेरी रक्षा करने वाला है। तो ये भगवान की दिव्य के भगवान से बड़ा ही भगवान का नाम होता है। और फिर सारी सखियां, सारी जो ग्वालिने हैं वो चारों में आती है और सब लाला को हाथ हाथ में लेके लाड लड़ाने लगती है। हम भी उस लाला का लाड लड़ाते हैं और उस श्याम मनोहर प्रभु की छवि का चिंतन करते हुए भगवान के उच्च निकटता को प्राप्त करते हैं। सभी जो ग्वालिने हैं प्रेम भाव से कहने लगती है, नानी मोटी गोपी मिलने मंगल गाओए, लाड लड़ाओ लाड लड़ाओ लाड लड़ाओ लाड लड़ाओ। हाँ नानी मोटी गोपी मिलने मंगल गाओए, नानी मोटी गोपी मिलने मंगल गाओए, लाड लाड लड़ाओ लाड लड़ाओ लाड लाड लड़ाओ लाड लड़ाओ लाड लाड लड़ाओ। जाओए रोई पड़े तो ताली मार
करी जाओ लाला दे लाड लडाओ लाड लडाओ लाला दे लाड लडाओ लाड लडाओ लाला दे लाड लडाओ लडाओ लाला दे लाड लडाओ लाड लडाओ लाला दे लाड लडाओ जानकर भगवान को यहाँ गौपुच्छ से झाड़ा दिया और यहाँ साक्षात परब्रह्म उनकी गोदी में है, पर वही भगवान के नामों से उनके सभी अंगों का स्पर्श किया और उन्हें पुष्ट करने का प्रयास किया और सभी ग्वालिनों ने भी भगवान की बहुत वारणाएं ली। देखिए कि आज के समय में अब कृष्ण तो लीला करके गए, पर वो लीला इसीलिए करके गए कि उनके एक एक चरित्र की जो शिक्षा है वो हमें प्राप्त होती रहे और हमारे चित्त में स्थिर रहे। देखिए जिस प्रकार से आज के समय में भी जो जड़ पदार्थ है अर्थात धन संपदा, ये जड़ है। देखिए जीवन के अंदर पैसे की महत्वता तो है, पर पैसा हमारे लिए है, हम पैसे के लिए नहीं। भौतिक जगत में हम यही समझने लग जाते हैं कि अर्थ के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर वास्तव में ये तो केवल एक साधन मात्र है। कई बार बड़े बड़े महलों में रहने वाले इतने दुखी हैं कि उनसे सुखी तो झोपड़ी में रहने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सभी राम के दास। अर्थात हम जब भौतिक पदार्थों को ही महत्व देने लग जाते हैं तो हमारे जीवन से भी शांति चली जाती है, परमात्म तत्व जाने लग जाता है। आज भी हम संसार में क्या देख रहे हैं कि हर जगह केवल धन संपदा के बल पर व्यक्ति मान सम्मान को अर्जित करना चाहता है, गुणों के बजाय उसके उपार्जित धन की स्तुति ज्यादा हो रही है। ये उस समय भी हो रहा था और आज भी हो रहा है कि व्यक्ति में योग्यता है चाहे नहीं है, और इसका साक्षात उदाहरण तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी है आज की तारीख में, क्योंकि एक व्यक्ति ने सारा जो पाप कर्म से उपार्जित धन है वो संग्रह करके रख लिया है, तो इसीलिए वो कितना भी उसका उपनाम ऐसा है कि अभी किसी बच्चे को भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि उसका नाम क्या है, क्योंकि हम अभी व्यासपीठ पर बैठे हैं तो सीधा किसी के नाम से उसकी
गुणों का परिचय नहीं करना चाहिए, पर आप अपने मन में जान जाएंगे कि भाई किसी व्यक्ति के पास कोई गुण ही नहीं है, फिर भी उसे पुरोधा बनाया जा रहा है, उसी को सब लोग आगे कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। व्यक्ति के गुण की पूजा होनी चाहिए, और इसका साक्षात उदाहरण आज की राजनीतिक व्यवस्था में हमें मिल रहा है कि एक तरफ हर व्यक्ति में गुण अवगुण भले ही हो, पर फिर भी साधना के मार्ग के द्वारा अर्थात जीवन के अनुभवों को प्राप्त करते करते किसी व्यक्ति ने योग्यता को हासिल किया है, और किसी को केवल या तो उसमें वंश परंपरा या उसके पास जो संग्रहित धन है उसके कारण उसे हम स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि ये समाधि भाषा का जो ग्रंथ है, इसके सिद्धांतों को यदि आप समझ लेंगे तो हर घटना को आप इस भागवत के माध्यम से विश्लेषित कर सकते हैं। ये ऐसा दिव्य शास्त्र है। तो अर्थात जब गुण के अला की नहीं, विद्या की नहीं, गुण की नहीं, संस्कार की नहीं, तप तपस्या की नहीं, जड़ पदार्थों की धन संपदा उसकी पूजा होने लग जाती है तो वह भगवान को स्वीकार्य नहीं होती। भगवान का जो जन्म नक्षत्र का तीसरा आवर्तन आया, अर्थात कि करीब करीब 27 दिन का एक नक्षत्र का परिभ्रमण काल है, तो करीब तीसरे महीने के आसपास जब तीसरी बार उनका जन्म नक्षत्र आया तो ऐसा मानते हैं कि भगवान ने करवट ली, तो घर में भी बड़ा उत्सव होने लगा कि भाई आज लाला ने पहली बार करवट ली। तो गीत नृत्य ये सब चल रहा था, तो माता यशोदा ने, क्योंकि घर में भी बहुत भीड़ भाड़ थी, एक छकड़ा जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में और संस्कृत में शकट कहते हैं, तो छकड़े के ऊपर जो है दही की हंडियों के अंदर मक्खन दही ये सब रखा हुआ था। और आज भी हम देखते हैं कि जहां पर अभी भी बैलगाड़ी आदि का प्रयोग होता है तो वहां माताएं अपने बच्चों को एक कपड़े में कपड़ा बांध करके उसके बीच में बच्चे को सुला देती है। तो माता यशोदा ने भी देखा कि इतनी भीड़ भाड़ है, ये छोटे छोटे बच्चे भी लाला को परेशान कर रहे हैं, और लाला को वह उस सकट के नीचे सुला देती है। अब लाला देखते हैं कि मुझे तो एक तरफ पटक दिया है और सब लोग वहां पर उत्सव मना रहे हैं, और मैं परब्रह्म, और मुझे रख दिया इस जड़ पदार्थ के नीचे। तो लाला अपनी एक लात से ही उस पूरे सकट का भंजन कर देते हैं, यानी उस सकट को तोड़ देते हैं, और ऊपर जितनी वह दही की और मक्खन की मटकियां पड़ी होती है वो धड़ाम करके गिरने लगती है, चारों में ध्वनि होती है, और सारे ग्वालवाल देखते हैं, तो अंदर से सारे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो एक ग्वालवाल कहने लगते हैं कि लाला ने एक लात मारी और ये सारा सकट, ये सारा छकड़ा टूट गया और ये सारी दही की हंडिया मक्खन ये चारों ओर बिखर गया। सब विस्मय में पड़ते हैं, पर बच्चों की बात का कोई विश्वास नहीं लेता। सबके मन में यही होता है कि ये कोई न कोई उपद्रव है जो बार बार हमें यहाँ कष्ट दे रहा है। तो सकट का अर्थ है कि जड़ता। तो अविद्या का नाश करने के बाद भगवान जड़ता का नाश करते हैं। जड़ता का अर्थ यही है कि केवल भौतिक पदार्थों का जहां महत्व हो वहां पर भगवान प्रसन्न नहीं रहते हैं, जहां पर गुणों की स्तुति पूजा हो वहीं पे भगवान आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से भगवान सबसे पहले आते हैं तो अविद्या रूपी पूतना का उद्धार करते हैं, उसके बाद इस सकट भंजन के द्वारा
इस जड़वाद का वह नाश करते हैं। ये भी श्रापग्रस्त था लोमेश ऋषि के द्वारा, यहां पर उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। तो भगवान आए हैं पापियों का उद्धार करने के लिए। भगवान की दिव्य लीलाएं चलती रहती है, माता यशोदा भगवान को इस प्रकार से पालने लगती है कि उनके जीवन के अंदर अब इससे ज्यादा आनंद, इससे ज्यादा और कोई कर्म हो ही नहीं सकता कि सदैव उसके चिंतन में वो लगी रहती। पर फिर भी उनका ध्यान कई बार भटक जाता, अवस्था का भी वहां पर परिमाण है, क्योंकि भगवान ने भी अपनी माया को फैला रखा है। इस कारण उनकी दिव्यता, उनके गुणों का प्रसार, उनके स्वरूप का प्रसार सारे ब्रज में होता है, सारे गोकुल में होता है, और सारी गोपिकाएं बार बार किसी न किसी बहाने से लाला का दर्शन करने के लिए नंदरानी के घर आती ही रहती है, क्योंकि ऐसा दिव्य उनका सबको मोहित करने वाला स्वरूप था। कंस बार बार प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार, क्योंकि अब यह बात तो उसे पता लग ही गई थी कि मेरा काल तो अब इस गोकुल में आ ही गया है, तो वो प्रयास करता रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक राक्षसों को, असुरों को भेजता रहा। एक दिन माता यशोदा भगवान को अपनी गोदी में लेकर बैठी थी और दूध पिला रही थी कि अचानक भगवान भारी होते गए, और इतने भारी होने लगे कि आखिर माता यशोदा को उन्हें जमीन पर रखना पड़ा। और उसी वक्त तृणावर्त नाम का जो राक्षस है उसे कंस ने भेजा, तृणावर्त को भेजा कि तुम बवंडर के रूप में ऐसे जाओ कि सारे छोटे बालकों को उड़ा के ले जाओ और उनका वध कर दो। माता चूंकि लाला को बाहर ही रखकर अंदर चली गई महल में, क्योंकि भगवान को पता था, इस कारण भगवान ने अपने, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो तेजस है, तो इस तेजस शरीर के कारण वो चाहे तो इसे भारी कर सकते थे, चाहे तो इसे हल्का कर सकते थे, इसी के बल पर उन्होंने सारी लीलाएं करी। तृणावर्त आया और बवंडर के रूप में सभी को वो उड़ाने लगा, लाला को वो उड़ाकर ले गया अपने साथ बड़े ऊपर तक। पर भगवान का वो तेजस शरीर था, भगवान ने उसका गला पकड़ा और उसका भी संहार किया। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब तृणावर्त है वह कामना, कामना जो है वो बवंडर की तरह विकराल होती है, और उनके वशीभूत होकर हम किसी भी प्रकार का कर्म कर सकते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, इसलिए वो बवंडर के रूप में आती है। तो हमारे चित्त के अंदर भी ये कामना रूपी जो बवंडर है उसे भगवान शांत कर सकते हैं, यदि उनकी शिक्षाओं को, उनके चरित्र को, उनके स्वरूप को, उनके माधुर्य को हम अपने हृदय के अंदर स्थापित रखें। तो इसीलिए भगवान एक एक कर सबका यहाँ पर उद्धार करते जा रहे हैं। देखिए ये इनका भी उद्धार हो रहा है जो जो राक्षस आ रहे हैं, और साथ साथ में भगवान अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन भी करा रहे हैं। अब जात कर्म तो हो ही गया था, तो आगे नाम कर्म भी करना पड़ता है, तो उसके लिए जो कुल पुरोहित हैं यदुवंश के श्री गर्गाचार्य जी महाराज, उनको बुलाते हैं नंद बाबा। अब चूंकि भगवान से पहले बलदाऊ भैया भी, क्योंकि रोहिणी जी भी जो नंद बाबा के ही महल में रहती हैं,
उनका भी नामकरण नहीं हुआ। पर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो कंस तो ऐसे ही इनके पीछे पड़ा है, इनका परम शत्रु है। तो यदि ये पता लग गया कि गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण किया है तो उसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यही वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। इसलिए प्रकट रूप में गर्गाचार्य जी नामकरण नहीं करते और उन्हें गौशाला में ले जाते हैं। गौशाला में ले जा करके वहां पर चुपके से ही इन दोनों का नामकरण कर दिया जाता है। वह रोहिणी पुत्र को देखते ही तो कहते हैं कि अयम तु रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। क्योंकि देखिए गर्गाचार्य जी महाराज भी बड़े दिव्य ज्ञानी थे, ज्योतिष वेद शास्त्र के अधिष्ठाता, और उन्होंने भी भगवान की लीलाओं का दिव्य निरूपण किया है अपने ग्रंथ में। तो इसलिए जो देखिए जब रामावतार में लक्ष्मण जी छोटे भाई बनकर आए थे शेषावतार, तो इसलिए राम जी जो करते उनके पीछे पीछे उन्हें चलना पड़ता। तो तभी वो देखते थे कि ये भगवान की यदि कोई अगली लीला हुई तब मैं बड़ा भाई बनूंगा, क्योंकि यहाँ तो अब वो मेरे बड़े हैं, तो ज्येष्ठ भ्राता को तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए मुझे तो अनुज ही रहना पड़ेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी बार बार क्रोधित होते, पर जैसे ही राम जी को देखते वो अपने उस क्रोध को, अपने आवेग को शांत कर लेते। वन के अंदर भी राम जी आगे आगे चलते तो लक्ष्मण जी को बड़ा ही कष्ट होता कि ये सारे कंकड़ पत्थर पहले राम जी के पांव में लग रहे हैं। तो जब से उनके मन में ये था कि अब अगली लीला में तो मैं पहले जाऊंगा, इसीलिए शेष अवतार के रूप में बलदाऊ जी पहले आ गए, बड़े भैया, कि अब मैं बड़ा भैया बन के रहूंगा। पर फिर भी उन्हें पता नहीं था तुम कितने ही बड़े बन जाओ पर हमारे लाला से बड़े तो नहीं बन सकते। तो इसीलिए उनका नाम रखा बलराम। और जैसे ही भगवान कृष्ण की और गर्गाचार्य की दृष्टि गई कि ये सबके चित्त को चुराने वाला है, आकर्षयति इति कृष्ण, वर्ण भी भगवान का कृष्ण था, काला था, कृष्ण का अर्थ ऐसे नीला भी है, तो जो अनंत स्वरूप परमात्मा ये अनंत आकाश है वो भी नील वर्ण है, तो अनंत का स्वरूप है, अथवा सभी के अंदर जो पाप रूपी कालक है उसको अपने में धारण करके सबको पवित्र कर दे, पुण्यमय बना दे, उसका मतलब भी कृष्ण है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, बलराम जी महाराज की। तो इस प्रकार से दोनों का नामकरण हुआ। अब भगवान के, क्योंकि उनका शरीर तो तेजस है तो वो तो बड़ी तीव्रता से बढ़ता रहा। आप सोचिए कि नंद बाबा के घर में जहां 9 लाख गैया थी जिसमें से 2 लाख उन्होंने ब्राह्मणों को केवल जात कर्म में दान दे दी, फिर भी इतनी लाखों गैया जिस घर में हो, फिर भी लाला को अपने घर के माखन में रस नहीं आता, इधर उधर जाकर ही माखन चुराते। तो ये उनकी दिव्य जो लीला है इसका भी बड़ा महत्व है। माता यशोदा को भी वो बार बार दही बिलोते हुए देखते और उनके स्वरूप का भी वो दर्शन करते तो वे भी आनंदित होते। और एक दिन अचानक उन्होंने ब्रज की रज को भी अपने मुंह में रख लिया, मिट्टी खाई, तो माता जी आई, उन्होंने कहा कि मुंह दिखाओ, क्या तुमने मिट्टी खाई है लाला? तो जैसे ही वे मुंह खोलते हैं तो उनके अंदर सारा ब्रह्मांड दिखने लगता है। तो माता यशोदा तो बड़े विस्मय में पड़ जाती है और उन्हें थोड़ा थोड़ा ये आभास हो जाता है कि ये कोई परब्रह्म तो नहीं है, ये भगवान स्वयं ही तो मेरे घर में नहीं है। फिर वो सोचती है कि अब इतना बुढ़ापा आ गया है, इस मति में ब्रह्म भी हो सकता है।
और कई विद्वान कहते हैं कि देखिए भगवान का ये जो जन्म हुआ है वह असुरों का नाश करने के लिए है, और भगवान तो सात्विक गुणों से परिपूर्ण है, तो इसलिए रजोगुण जब तक उनके अंदर नहीं आएगा तब तक वे असुरों का किस प्रकार से विनाश करेंगे। इसलिए रजोगुण को जागृत करने के लिए उस रज को उन्होंने खाया है। दूसरा, जिस प्रकार से ये तो सामान्य बात है, जो भी बच्चे हैं, बाल हैं, बाल गोपाल सहज अपने भाव से मिट्टी मुंह में डालते ही हैं, तो इसलिए ये नहीं लगे कि ये कोई अलग से बालक है। यह भी जिस प्रकार से दूसरे ग्वाल बाल हैं, उन्हीं तरह से ये भी एक सामान्य बालक है। तो अपनी विशालता को, अपने गुणों को छुपाने के लिए भी भगवान ये माटी खाते हैं, और इसीलिए ये जो ब्रज रज है वो ब्रह्म रज हो जाती है, क्योंकि भगवान उसे अपने मुंह में डाल लेते हैं, उस पर चलते हैं। इसीलिए आज भी जो ब्रजमंडल के संत हैं, वहां के रसिक हैं, उस ब्रह्म रज को अपने सर पे लगाते हैं और बड़ा ही आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि वो ब्रज रज नहीं है, भगवान के सानिध्य से वह ब्रह्म रज हो जाती है। तो भगवान अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, धीरे धीरे उनकी अवस्था बढ़ने लगती है, और वे और दाऊ भैया मिलकर अपनी बड़ी अच्छी टोली बना लेते हैं। और क्योंकि भगवान का तो स्वरूप है वह तो बड़ा मोहक है, और उनकी बातें भी बड़ी मोहक है, इस कारण सारे छोटे छोटे ग्वाल बाल तो उनका सदैव चिंतन करते रहते हैं कि कब महल से वो बाहर आए और हम साथ साथ में इन गलियों में दौड़ें, घूमें, खेलें। और इस तरह वो अपनी एक बड़ी मंडली बनाते हैं, यानी कि सबको अपने साथ में लेके चलते हैं। अब जिस घर के अंदर इतना अनंत ऐश्वर्य हो, इतनी गऊ हो, इतनी प्रकार का वहां पर सब सामग्री, भोग सामग्री की व्यवस्था हो, फिर भी भगवान जा जाकर गोपियों के घर से मक्खन को चुराते हैं। तो ये भगवान की ये जो माखन लीला है, इसका भी बड़ा दिव्य संदेश है कि देखिए कि जो मक्खन है वो कैसे प्राप्त होता है। श्रम के द्वारा प्राप्त होता है, दूध के द्वारा दही बनता है, दही से फिर उसको मथने के द्वारा मक्खन प्राप्त होता है, अर्थात श्रम से प्राप्त होने वाला, अथवा तो ऐसा समझ सकते हैं साधना के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का प्रतीक भी यह मक्खन है। तो भगवान ये कहते हैं कि ज्ञान किसी भी तरीके से प्राप्त हो, यदि उसे लेने के लिए चोर भी बनना पड़े तो चोर बनके भी उस ज्ञान को प्राप्त करो। दूसरा, भगवान हमें ये बताते हैं कि आपने जीवन के अंदर श्रम किया, उद्यम किया, उसके बाद में देखिए गोपियां क्या करती, मक्खन बना बनाकर उसका संग्रह कर लेती। यदि हम अपने उद्यम से प्राप्त होने वाले फल का केवल संग्रह कर लेंगे तो फिर भगवान उसे चुरा लेंगे, अर्थात कि जीवन के अंदर जो भी हमें प्राप्त हो उसे सब में बांटने की, सबके साथ उसका आनंद लेने की यदि भावना रखेंगे तो उसकी वृद्धि होती जाएगी, और यदि हम संग्रह वृत्ति में लग जाएंगे केवल तो भगवान एक दिन उसे चुरा लेंगे। इसी दिव्य लीला का, भगवान की लीलाओं में ज्ञान भी बहुत है, पर उनका जो ये लीला है वह मनोहारी भी बहुत है। तो भगवान की उस लीला का आज हम दर्शन करेंगे, हमारे ग्वाल बाल यहाँ पर आएंगे और जिस प्रकार हमारी ये अज्ञान रूपी मटकी है उसको वो फोड़ देंगे और ये ज्ञान रूपी मक्खन हम सबको प्राप्त होगा। सभी बोलेंगे प्रेम से बाल कृष्ण लाल की जय हो, माखन चोर भगवान की।